अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डी फॉर टेक एंड टेक। क्या आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टिप्स सीखना चाहते हैं? यस, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही यूजफुल होंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली इस तरह की बहुत सी लेटेस्ट वीडियो अब तक इजीली पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे ट्रिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग टिप ये है कि आप जब भी कोई अपना लैपटॉप या कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो आप बहुत ही कॉमन तरीके से शट डाउन करते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ एक अलग तरीके से शट डाउन करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप करते ये हैं कि आप यहाँ पे जाते हैं, स्टार्ट पे जाते हैं और यहाँ पावर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे शट डाउन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग सा और अलग सा ट्रिक बता रहा हूँ। करना आपने यह है, आपने यहाँ जाना है किसी भी जगह डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपने यहाँ आना है न्यू पे। न्यू पे आने के बाद आपने यहाँ शॉर्टकट लिखा होगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक छोटा सा कोड है, वो मैं आपको, परेशान नहीं होना, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसको इजीली कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करके पेस्ट किया और अब इसको मैं करूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आप जो भी नाम हो वो आप देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई अपना देना चाहते हैं नाम या कुछ और, लेकिन मैं अभी यही देना चाहता हूँ जो कि लिखा हुआ स्लाइड टू शट डाउन। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ फिनिश। ओके फ्रेंड, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक शॉर्टकट आ गया है। आइए इसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक करें इसको ओपन करें। अब ये देखें, जैसे ही इसको मैं स्लाइड टू शट डाउन योर पीसी, इसको स्लाइड करके नीचे लाऊंगा तो ये मेरा लैपटॉप इजीली और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से शट डाउन हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं इसको नहीं करना चाह रहा, तो होप्स आप इसको यूज कर सकेंगे। तो अच्छी फ्रेंड, हमारे पास जो सेकंड नंबर पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की सारी के सारी सेटिंग अपने डेस्कटॉप के एक छोटे से आइकन पर डाल सकते हैं। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने एक छोटे से आइकन पे अपनी सारी के सारी सेटिंग और लैपटॉप की कैसे इसको एक जगह ऐड कर सकते हैं। तो करना आपने ये है कि आपने यहाँ उसी डेस्कटॉप पे जाना है और इस राइट क्लिक करके न्यू पे जाके अब आपने यहाँ पे शॉर्टकट के ऊपर क्लिक नहीं करना, किसके ऊपर क्लिक करना है, फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दें। फोल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो भी लिखा है इसको आप रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद आपके पास एक छोटा सा कोड है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजीली वहां से इसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये गॉड मोड होता है जिसमें आपकी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की सारी सेटिंग वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो अब इसको हम करते हैं इंटर, इंटर दबाया और ये देखें हमारे पास एक आइकन आ गया, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इसमें आपके पास हर किस्म की सॉरी सेटिंग प्रोवाइड करता है, जैसे क्रिएट एंड फॉर्मर हार्ड डिस्क पार्टीशन भी यहाँ पे हो रही है, तो हर किस्म का यहाँ पे सेटिंग प्रोवाइड ही आपको कर रहा है। तो है ना गाइस इंटरेस्टिंग। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड, हमारे पास जो लास्ट और थर्ड नंबर बैटरी है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जब भी कोई आप इसको लॉग इन करें तो आपके पास जो आपने काम करना है या आपके पास जो भी कोई फाइल है या आप कोई म्यूजिक इस पे ऐड करना चाहते हैं या अपनी कोई भी शीट है या एक्सेल की शीट है, आप रोजाना उस पे काम करते हैं, तो वो उसको स्टार्टअप में जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वो आपको शो करेगा। तो करना आपने ये है कि आपने यहाँ स्टार विंडोज पे जाके आपने लिखना है रन, रन की कमांड को इंटर कर दें और यहाँ मैंने लिखा हुआ जैसे कि शेल एंड स्टार्टअप, इसको आपने सर्च करना, इंटर करें और ये आपके पास आ गया स्टार्टअप की फाइल। होप्स आपको नजर आ रही है जैसे ये ठीक है जी, आपको नहीं नजर आ रही, आप इसके प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करें तो ये आपको स्टार्टअप की फाइल यहाँ पे सर्च कर लेनी है आपने। यहाँ पे सर्च करने के बाद आपने करना ये है कि आपके पास जो भी कोई म्यूजिक है
या आपने कोई भी फाइल है एक्सेल की या वर्ड की आप रोजाना उसके ऊपर काम करते हैं, तो आपने उसका शॉर्टकट बना के इसके अंदर आपने पेस्ट करना है। समझ आ गई बात? तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कैसे। जैसे कि मैं करता हूँ, इसको मिनिमाइज करते हैं यहाँ से, और मैं करता हूँ जैसे ये है स्क्रीन रिकॉर्डर है, तो इसको मैं यहाँ से इसका शॉर्टकट बनाता हूँ। शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, आप यहाँ पे आए सेंड टू, सेंड टू के ऊपर जाके ये लिखा हुआ है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, इसके ऊपर क्लिक करें और ये हमारे पास इसका शॉर्टकट बन गया। ओके फ्रेंड, अब इसको आपने यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, या कॉपी करने के बाद आप इसको क्या करें, सॉरी ये तो पुराना निकला है, ये इसके ऊपर जाके यहाँ पेस्ट कर दें, ये हो गया। तो जैसे ही आपका ये लैपटॉप या फिर कंप्यूटर आपका ऑन होगा, लॉगिन होंगे आप, तो आप आपने जो मैन वाला परफॉर्म काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।